टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी है पाक न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 153 रनों का हतफ दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेट में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। न्यूजीलैंड ने बनाए 152 रन। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि फाइनल इंडिया के साथ होगा। अभी इंग्लैंड के साथ इंडिया को मैच खेलना है और कल ये मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जीत हासिल करके जो फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा न्यूजीलैंड से, और पाकिस्तान ने जीत हासिल करका लोगों की और उम्मीद बढ़ा दी है कि अब फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा। बाबर आजम और रिजवान की अगर बात करें तो शानदार उन्होंने आतिशी पारी खेली, यहाँ हाफ सेंचुरी की पारी उन्होंने खेली है। ये शानदार जीत पाकिस्तान ने हासिल कर ली है और अब उम्मीद की जा रही है कि 13 नवंबर को मेलबर्न में फाइनल होगा तो टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगा। हालांकि अभी टीम इंडिया को इंग्लैंड को हराना है, सेमीफाइनल हराना है और उसके बाद फाइनल में टीम इंडिया पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये जीत हासिल करके इस मैच को टी20 सीरीज को और भी रोमांचक बना दिया है, क्योंकि उम्मीद अभी बनी हुई है कि मुकाबला टीम इंडिया के साथ फाइनल में पाकिस्तान का होगा। तो ये बड़ी जीत है टी20 वर्ल्ड कप में पाक न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला, जिसे पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीत लिया है। पाकिस्तान ने 7 विकेट से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड ने 152 रन का हदफ दिया था, 153 रन बनाने थे पाकिस्तान को, और जिस तरीके से बाबर आजम और रिजवान ने आतिशी यहाँ पारी खेली वो काबिले तारीफ थी, देखने लायक भी थी, क्योंकि अच्छी इन्होंने पारी खेली बाबर आजम और रिजवान ने। और जब भी ये दोनों क्रीज पर होते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाबर आजम और रिजवान के जाने के बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत लिया है। फाइनल में भिड़ंत उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया के साथ होगी और टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान के साथ भिड़ने के लिए, लेकिन सेमीफाइनल का कल मैच है और टीम इंडिया इंग्लैंड से भिड़ती हुई नजर आएगी। इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी और ये उम्मीद बनी हुई है कि 13 नवंबर को मेलबर्न में फाइनल पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच होगा। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, खेल और भी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर फाइनल टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है तो ये हाई वोल्टेज जो मैच होता है वो देखने को मिल सकता है मेलबर्न में 13 नवंबर को।